हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर हम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, इन दोनों के ही टाइप्स पढ़े और आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसे भी हमने थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी हाइपेंथोडियम, सेकेंड है हमारी वर्टिसिलेस्टर और थर्ड है हमारी साइथियम। हाइपेंथोडियम को हिंदी के अंदर हम कहते हैं उदुम्बकर। इसके अंदर जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लैशी हो जाती है, थिक हो जाती है और एक कप शेप स्ट्रक्चर वो बना लेती है। इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर एक कैविटी होती है और इस कैविटी के अंदर थ्री टाइप्स के फ्लावर लगे होते हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एंड स्टेराइल फ्लावर। ये तीनों ही फ्लावर कैसे होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं, यानी इनके अंदर सेपल्स हैं। ये मेल फ्लावर के अंदर सेपल्स हैं और केवल स्टेमन है, या फीमेल फ्लावर के अंदर भी सेपल्स हैं और क्या है, केवल कार्पेल है, और स्टेराइल फ्लावर के अंदर भी सेपल्स हैं और कार्पेल है। यहाँ जो अरेंजमेंट है कैसा है? टर्मिनल है, और यहाँ कैसा है अरेंजमेंट? लेटरल है। मेल फ्लावर पाए जाते हैं टिप पर, जो कप है उसके टिप पर पाए जाते हैं मेल फ्लावर, और बेस रीजन में पाए जाते हैं हमारे फीमेल फ्लावर एंड स्टेराइल फ्लावर। अब जो हाइपेंथोडियम है उसके अंदर पॉलिनेशन जो होता है वो वास्प के द्वारा होता है। वास्प यानी कि हमारी ततैया, मधुमक्खी, वास्प के द्वारा होता है। और ये हाइपेंथोडियम और वास्प दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, यानी कि दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। अब जो वास्प होते हैं इन स्टेराइल फ्लावर के ऊपर एग ले करते हैं, और एग ले करने के बाद जब एग हैच होता है उसमें से लार्वा निकलता है तो वो लार्वा इन स्टेराइल फ्लावर को ईट करते हैं, क्योंकि लार्वा को बहुत सारा खाना खाना होता है क्योंकि उसे प्यूपा में चेंज होना होता है, तो वो इन फ्लावर्स को ईट कर लेते हैं। इन्हें ईट करने से जो प्लांट है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये कैसे फ्लावर है? स्टेराइल फ्लावर है। और जब जो वास्प है इस वॉस के अंदर, इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर आता है और बाहर जाता है, तो यहाँ जो मेल फ्लावर है उनसे जो पॉलन है वो उनके ऊपर स्टिक हो जाते हैं। जो पॉलन्स हैं वो वास्प के विंग्स पर, उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं। अब जब ये वास्प किसी दूसरे हाइपेंथोडियम के अंदर जाते हैं तो ये पॉलन वहां पर गिर जाते हैं, और क्या हो जाती है? क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ हाइपेंथोडियम उसको फायदा पहुंचा रहा है, इसको एग ले करने के लिए सेफ जगह दे रहा है, क्योंकि ये सेफ जगह है, यहाँ उनके उसके एग को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, और साथ में जो लार्वा है उसको फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। और जो वास्प है वो उसे क्या फायदा पहुंचा रहा है? वो उनके लिए क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस करता है। तो यहाँ जो वास्प है और हाइपेंथोडियम है वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं। तो हाइपेंथोडियम के अंदर जो मेन एक्सिस है कैसी हो गई है? थिक हो गई है, फ्लैशी हो गई है, कप शेप स्ट्रक्चर बनाया उसने, और इस कप शेप स्ट्रक्चर में थ्री टाइप्स के फ्लावर हैं, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एंड स्टेराइल फ्लावर। और इसका एग्जाम्पल हमारा फिग यानी कि अंजीर और पीपल है। सेकेंड है हमारा वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, या इसे हम कहते हैं कूट चक्र। इसके अंदर मिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, और इसके अंदर जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड यानी एक या दो जो ब्रांचिंग होती है वो बाई पैरस होती है, यानी कि जो ब्रांच है दो ब्रांचेज एक साथ निकलती है। यहाँ देखिए दो मेन एक्सेस, यहाँ से दो ब्रांच एक साथ निकली, यहाँ फिर दो ब्रांच एक साथ निकली, यहाँ कैसी है? बाईपेरस ब्रांचिंग है, लेकिन उसके बाद जो ब्रांचिंग होती है वो यूनिपेरस होती है और स्कॉर्पियल होती है,
यहाँ आप जो ब्रांचिंग हो रही है यूनिपेरस यानी एक ही ब्रांच निकल रही है और किस मैनर में निकल रही है, जिगजैग मैनर में निकल रही है। तो ये क्या है, यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड ब्रांचिंग। तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर मिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है ये। स्टार्टिंग वाला जो ब्रांचिंग है वो कैसी है, बाइपेरस है और उसके बाद जो ब्रांचिंग हो रही है यूनिपेरस हो रही है। यूनिपेरस में मेथड है हमारा स्कॉर्पियोइड और इसका एग्जांपल है हमारा ऑसिमम या तुलसी और सेल्विया। थर्ड कैटेगरी है हमारी साइथियम। साइथियम हिंदी में बोलते हैं कटोरिया। इसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है पुष्प चक्र और वो एक फ्लावर की तरह ही दिखता है। और ये हमारे जो नीचे कपशेप स्ट्रक्चर है ये ब्रैक्ट्स, ब्रैक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था सहपत्र के बारे में। सहपत्र मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रैक्ट्स बनाते हैं और इस कपशेप स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे फ्लावर लगे होते हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी मेल फ्लावर अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। मेल फ्लावर काफी सारे होते हैं, मैनी मेल फ्लावर्स होते हैं और जो फीमेल फ्लावर है एक सिंगल फ्लावर होता है। और फ्लावर यहाँ पर भी कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि जो मेल फ्लावर है उसके अंदर स्टैमन प्रेजेंट होता है और जो फीमेल फ्लावर है उसके अंदर केवल कार्पेल प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस का और इसका एग्जाम्पल है पॉइंसेटिया। पॉइंसेटिया ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी कि जो सजावटी पौधे होते हैं ये उस टाइप का प्लांट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हमने तीनों टाइप के इन्फ्लोरेसेंस और उनके टाइप्स पढ़े और स्पेशल टाइप के अंदर हमने थ्री टाइप्स हैं, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलेस्टर एंड साइथिया। हाइपेंथोडियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वर्टिसिलेस्टर में मिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है और यहाँ कटोरिया के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रिड्यूस हो जाता है और केवल एक फ्लावर की तरह हमें दिखाई देता है। तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।